के खिबैया माझी नदिया के धारे एक छोर छोड़े ढूंढे दूसरे किनारे लहर लहर गहरा सागर माझी लहर लहर गहरा सागर किसने था जानी रे राह में जो भटकी लहरे उनकी ये कहानी रे गाते गाते पार ले जा गाते गाते पार माझी गाते गाते पार माझी गाते गाते पार ले जा माझी समीर जैसे बिंदु बिंदु बहती है तट की श्रवण का तरता रेत रेत कहती है बूंद बूंद कण कण चुंबन माझी बूंद बूंद कण कण चुंबन कृष्ण ने ही जानी रे राह में जो भटकी लहरे उनकी ये कहानी रे गाते गाते पार ले जा गाते गाते पार माझी गाते गाते पार माझी गाते गाते पार ले जा माझी भैया मैं क्या करूं मैं कुछ भी समझाने लगती हूं तो वो संस्कृत में श्लोक झाड़ने लगती है महान जी की तरह अरे वो तो झाड़ेगी ही उसके जीवन में अभी तक पुरोहित जी और कापाली के अतिरिक्त और कौन आया है अभी अभी तो उसने घर संसार में कदम रखा है लेकिन बेटा कुछ तो करना पड़ेगा इस घर को खिलना बढ़ना है कोई योगिनी का आश्रम नहीं बनाना माँ तेरी बहू में गुणी रमणी बनने के सभी गुण हैं पर वो तो मन से बहुत दुखी है माँ शुभ शुभ बोल बेटी ये तो क्या कह रही है मैं ठीक कह रही हूँ माँ आने के समय मृण्मयी ने देवी के चरणों पर एक बेलपत्र चढ़ाकर मंगल कामना की थी पर देवी ने वो ग्रहण नहीं किया बस तभी से उनका मन ठीक नहीं है हाँ हो सकता है माँ वो तो ईश्वर की कुछ ज्यादा ही भक्त है पर तुम चिंता मत करो मेरा विश्वास मानो जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा वही हो बेटा वही हो ईश्वर का ही भरोसा है बस कहीं और अमंगल ना लाए क्या सोचा था और क्या हो गया अब ज्यादा मत सोचिए बीबी जान मुझे तो लगता है सब अच्छा ही हुआ सब जैसा था वैसा ही रहेगा मुगल बादशाह के खास महल का बाशिंदा होना किसी राजा की पटरानी होने से भी बड़ी बात है शायद तुम ठीक कह रही हो पेशमन लेकिन अब हम उस महल में नहीं रहेंगे क्यों बीबी जान उसमें हर्ज ही क्या है हर्ज है पेशमन
जहांगीर अब जल्दी ही मेहरुन्निसा को हासिल करेगा। मेहरुन्निसा को तो हम बचपन से जानते हैं और उसके मिजाज से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उसके महल में आने पर जहांगीर तो नाम भर का बादशाह होगा। असली बादशाहत तो वही करेगी और उसके बेगम बनने के रास्ते में रुकावट हमने डाली थी। ये देर सवेर उसे पता तो चल ही जाएगा, तब उसका अंजाम क्या होगा अंदाजा लगा सकती है पेशमन? तब क्या होगा बीबी जान? एक तरकीब है। वो क्या? ये जानना बहुत जरूरी है कि मेहरुन्निसा के दिल में जहांगीर के लिए अभी कितनी जगह बाकी है। अगर उसने अपने शौहर को ही सब कुछ मान लिया है तो शेर अफगन के कत्ल होने के बावजूद भी जहांगीर उसे नहीं पा सकेगा। लेकिन अगर मेहरुन्निसा के दिल में जहांगीर उसी शिद्दत के साथ मौजूद है तो मुश्किल हो सकती है। पर बीबी जान, मेहरुन्निसा के दिल में क्या है ये कैसे जाना जा सकता है? हम यहां से वर्तमान जाएंगे। मेहरुन्निसा हमारे बचपन की सहेली है। उसके पास दो दिन आराम करने के बहाने रहेंगे और सब जान जाएंगे। जाओ वर्धमान जाने की तैयारियां करवाओ। कल सुबह काफिला रवाना हो जाना चाहिए। मृन्मयी क्या तुम यहां आकर खुश नहीं हो? किसने कहा आपसे? श्यामा सुंदरी कह रही थी। मैंने तो उसे ऐसा कुछ नहीं कहा, बस यही कहा है कि यथा निजुक्तो अस्मि तथा करोमि। समझा। तुम्हारे मन में अभी भी वही बेलपत्तों वाली बात बैठी हुई है। सुनो, भूल जाओ उसे। कोशिश तो बहुत करती हूं पर किसी भी तरह उसे भूल नहीं पाती। वही वन बगडंडी, वही कापालिक, वही रेतीला किनारा, वही अधिकारी पुरोहित, सब मुझे पीछे की ओर खींच रहे हैं। और कभी तुमने मेरे बारे में भी सोचा है? मेरे घर बार संसार की बात? ठीक है, मैं मानता हूं देवी मां के चरणों में चढ़ाए गए बेलपत्तों को चूंकि देवी ने स्वीकार नहीं किया था, तभी किसी अमंगल की बात सोचकर तुम घबरा रही हो। लेकिन अधिकारी महाराज ने क्या कहा था तुम भूल गई? नहीं, भूली कहां, उन्हीं के कहने पर ही तो चल रही हूं। अब पति मेरा धर्म है, पति की राह ही मेरी राह है। मृन्मयी, रेनो, मृन्मयी, हाँ, चलो वापस चलें। वापस कहाँ?
घर और कहाँ? कुछ देर और रुको ना। नहीं बहुरानी, उधर घर में तूफान आया हुआ होगा। क्यों? अरे पागल, भले घर की बहू क्या इतनी रात गए अकेले जंगल में घूमती है? अकेले कहाँ, तू भी तो मेरे साथ है, और मैं जब तेरे भाई से नहीं मिली थी तब तो अकेले ही घूमती थी। तू बहुत भोली है मृणो, तब तू कपाल कुंडला थी, अब तू मृणमयी है, मृणमयी। चल घर चल। चल ननदि चल, पर वो तेरी दवाई वाली बूटी क्या हुई? वो भी तो मुई कहीं नहीं दिख रही, अगर वो मिल जाती तो कुछ तो तसल्ली रहती। तूने कभी खाई है वो बूटी? खाई होती तो क्या इस तरह महके में पड़ी रहती मैं। चल और आज वैसे भी मैं तेरे लिए ही आई थी, सोचती थी अगर तू इसे खा लेती तो तेरी गृहस्थी पक्की हो जाती। हाँ मृणो, उसका बहुत प्रभाव है, पति पत्नी मिलाप के लिए वो अछूक औषध है, पर दिखती भाग्य से है। अच्छा बाबा घर चल, आज तो ईश्वर ही मालिक है, चल चल घर चल। दीद मुझे
अरे क्या बात है मेहा, लगता है तुम खुश नहीं हो। ऐसी बात नहीं है, दरअसल ये दो दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। तुम अगर दो चार दिन और रुक जाती तो। मेहर हमारा बस चले ना तो ताउम्र हम तुम्हारे साथ ही गुजार दें, लेकिन तुम तो जानती हो हम किसी के मातहत हैं, हमारा वहां पहुंचना ही दुरुस्त है, वरना वहां। वरदा कौन बुरा मानेगा, बेगम या शहजादा? मेहर तुम तो सब कुछ जानती हो। मैं सब जानती हूँ, पर ये नहीं जानती तुम खुद बेगम बनना क्यों नहीं चाहती। सुना है शहजादा सलीम तुम्हें अपनी बेगम बनाने वाले थे। हम अपने औकात से नावाकिफ नहीं है मेहर, तुम सूरत ही नहीं सीरत से भी गजब की प्यारी हो, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हिंदुस्तान भर में सिर्फ एक ही मेहरुन्निसा है जो शहजादे सलीम के दिल पर हुकूमत करने के काबिल है। पता नहीं तुमने ये बात तंज में कही है या संजीदगी के साथ या मेरा दिल कुरेदने के वास्ते, पर तुमसे एक ही गुजारिश है लुत्फुन्निसा, तुम ये मत भूलना कि मैं शेर अफगन की बीवी हूं जिस मुक्कल से उनकी शरीके हयात। तुम हमें गलत मत समझना मेहर, हम जानते हैं कि तुम अपने शौहर की जान हो, तभी तो तुमसे ये सब कहने का हौसला कर पाए हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? सलीम अभी तक तुम्हारी खूबसूरती के जाल से बाहर नहीं निकले हैं, और इसीलिए हम तुम्हें आगाह करने आए हैं। क्यों, क्या अंदेशा है तुम्हें? तुम्हारे बेवा होने का। लुत्फुन्निसा, शेर अफगन अपनी हिफाजत करना जानता है, अकबर बादशाह की हुकूमत में उनका बेटा भी किसी की जान लेने पर सजा पाने से निजात नहीं पा सकेगा। तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है मेहरुन्निसा, लेकिन तभी तक जब तक हुकूमत बादशाह अकबर की थी। मैं कुछ समझी नहीं पगली। तुम आगरा ही नहीं हकीकत से भी कोसों दूर बैठी हो। बादशाह अकबर को जन्नत नशी हुए कई रोज बीत चुके हैं, और अब उस तख्त पर सलीम बैठा है, फिर हुक्मरान को कौन रोक सकता है भला? तुम रो रही हो मेहर। शहजादा सलीम हिंदुस्तान के तख्त पे और मैं। मेहर तुम्हारी सूरत गवाह है कि तुम आज भी सलीम को अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाई हो। कैसे निकाल दूं, कैसे निकाल सकती हूँ? मैं अपनी हस्ती मिटा सकती हूँ, लेकिन शहजादे सलीम को नहीं बुला सकती। वो तो हम जानते हैं। सुनो, जब हम यहाँ से लौट कर जाएंगे तो सलीम को पता चल जाएगा कि हम वर्धमान होकर लौटे हैं, तो वो हमसे तुम्हारे बारे में जरूर पूछेंगे। तब हम उनसे क्या कहें तुम ही बता दो। उनसे कहना कि मेहरुन्निसा दिन रात उन्हीं के ख्यालों में खोई रहती है, पर फिर भी किसी भी कीमत पे अपने शौहर के खानदान पर आंच नहीं आने देगी, और अगर हुक्मरान ने मेहरुन्निसा को पाने के लिए शेर अफगन का कत्ल करवा दिया तो अपने शौहर के कातिल का मुंह तक देखना पसंद न करेगी।
अरे तुम आओ आओ लुत्फुन्निसा। बादशाह जहांगीर की खिदमत में इस नाचीज का सलाम कबूल हो जहां बना। नहीं नहीं लुत्फुन्निसा, हिंदुस्तान का सरताज बादशाह जहांगीर मैं अपनी रियाया के लिए हूं, तुम्हारे करीब तो मैं वही सलीम हूं। सच? क्यों, यकीन नहीं? तो फिर हमारी मुबारकबाद कबूल कीजिए जहां बना। आज आप हिंदुस्तान के बादशाह तस्लीम हुए हैं, ये हमारे लिए भी तो फख्र की बात है। अरे खड़ी क्यों हो लुत्फुन्निसा, बैठो। हाँ तो तुम्हारे भाईजान कैसे हैं, खैरियत से तो है ना? जी हाँ, दुआ है आपकी। सुना है वापसी पर तुम लोग वर्धमान होकर आए हो। हाँ, बहुत दिनों से मेहरुनिसा से मुलाकात नहीं हो पाई थी, सो दो रोज उसके पास भी रहकर आए। कैसे है मेहरुनिसा, खुश तो है ना? क्या सुनकर खुश होइएगा जनाब? हाँ क्या ना? जो जो हकीकत है। हकीकत तो यह है सलीम कि मेहरुनिसा आज भी आपको बुला नहीं पाई है। उसके दिल के आईने में आप ही की तस्वीर लरजती है। हम जानते थे कि मेहरुनिसा के बारे में आप हमसे जरूर पूछेंगे, और ये बात हमने उसे कही भी थी, और इसीलिए उसने क्या क्या कहा उसने? यही कि शहजादे से कहना मेहरुनिसा के दिल में उन्हीं की यादें बसी हुई हैं, और जरूरत पड़ने पर उनके लिए वो अपनी जान भी कुर्बान कर सकती है। मेहरुनिसा, हमने उसे ये भी बता दिया कि तुम्हारा सलीम फकत शहजादा सलीम नहीं है, अब वो बादशाह जहांगीर भी है। तब उसके चेहरे का रंग बदल गया, उसकी आंखें छल छल आई और होंठ बुदबुदाए, सलीम या खुदाया।